दान करते हैं या दान मांगते हैं, जो भी चीज़ें हैं। मुझे ये लगा कि आज के इस पावन पर्व पर मैं एक नई मुहिम चला रही हूँ। वो नई मुहिम समाज के लिए हो सकती है, संगठन के लिए नहीं है। संगठन का तो सर्वोपरि है कि हम लोग जाति विहीन समाज की बात करते हैं। आज राहुल गांधी जाकर के एक दलित के घर जाते हैं और मैकडोनल्ड्स का पिज्जा मंगा के खाते हैं, पर मैं माफी चाहती हूँ, उससे समरसता नहीं आती है। अगर समरसता और समानता की हम बात करते हैं, जाति विहीन समाज की बात करते हैं, तो आपने संविधान में हमें बांट क्यों रखा है? आप उपेक्षा भी करते हैं एक तरफ हरिजन कह के और मदद भी करते हैं, यानी एक हाथ से मदद करते हैं और एक हाथ से जूता मारते हैं। तो मैं ये मुहिम उठाना चाहती हूँ कि मदद करनी है तो आप चुपचाप रह के कर सकते हैं, आप समान नागरिक अधिकार की बात करके मदद कर सकते हैं, लेकिन ये जो जाति में आपने ओबीसी आरक्षण और हरिजनों की बात की वो बहुत गलत है। आरक्षण का मतलब सिर्फ मदद ही तो करना है, आप उसे सहयोग नाम दें। आपने ये करके एक मनोविकृति में आपने द्वेष भाव क्यों पैदा कर रखा है? आपने हिंदुओं को बांटने की जो साजिश कर रखी है हिंदू नेताओं ने, वो शर्म करें। और हिंदू महासभा आज मकर संक्रांति के पर्व पर यही प्रण लेने आई है, और सहभोज का मतलब है साथ में खाना खाना। वो खाना खाना जो ये खाएंगे वो मैं खाऊंगी, जो मैं खाऊंगी वो ये खाएंगे, और साथ में खाएंगे, ना कि इनकी झोपड़ी में आके ड्रामा करके पिज्जा हट या हाइजेनिक फूड खाना। खाना तो भोजन, तो भोजन होता है उसी खेत में अन्न पैदा होता है। यही समरसता का सद्भाव देने आई हूँ। बात बाबा अम्बेडकर साहब की कहते, अरे बहुत बड़ा त्याग था, उस पुरुष ने कहा था कि स्त्री आगे बढ़नी चाहिए। आज मैं कहती हूँ इस वर्ग विशेष को जो ये हरिजन कह करके संबोधित करते हैं, उनकी स्त्रियों की आप हालत देखिए।